एंड वेलकम टू बैक माई न्यू ब्लॉग आर एम टी ब्लॉग्स। सो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है बिकॉज आज है मेरा बर्थडे। सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन मैं सैड थोड़ा थोड़ा हूँ क्योंकि गाइस आज स्कूल की छुट्टी है और मैंने पापा से रात को इतनी सारी टॉफीज मंगा ली थी स्कूल में बांटने के लिए, तो वो कहाँ गया मेरा। हाँ मम्मा ने ऊपर से मांग के रखा है, गिर ना जाए। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या सामान है। डाइनिंग टेबल में मुझे भूख भी लगी है, मम्मा ने मेरा खाना भी लगा दिया था, लेकिन फिर मैंने कहा कि पहले कुछ देखते हैं। सो गाइस, मेरे पास सबसे पहले हम ये दो प्लेट की टॉफी। अभी मुझे लग रहा है कि कहीं कम ना हो जाए तो मैं एक और एक्स्ट्रा रखूँगी। तो ये दो प्लेट की टॉफी, एक लेस की टॉफी सबको पसंद है इसलिए मैं प्लेट की लाई, एंड एक प्रिंसिपल के लिए और एक मतलब ये सब फेरेरो रोशन जो मैं बांटूंगी, और एक फेरेरो रोशन मैंने खा भी लिया। और ये पापा सब फेरेरो रोशन से आए हैं जो कि अपने स्कूल में बांटूंगी थोड़ी थोड़ी। बस पापा ये सबसे आए हैं तो इसीलिए, लेकिन फिर बताया कि रेड अलर्ट है, डीएम का ऑर्डर आया था कि रेड अलर्ट है, इसलिए आज नहीं जा पाए। लेकिन कोई बात नहीं, हम घर में सेलिब्रेट करेंगे एंड कल सैटरडे है तो कल जाएंगे, आज है फ्राइडे। एंड गाइस मौसम बहुत सुहाना, ठंडा ठंडा सा हो रहा है एंड मम्मा ने बनाया है हलवा, दिखाती हूँ आपको। इस मम्मा ने बनाया ये ब्यूटीफुल सा हलवा, वैसे अभी खाने वाले हैं गाइस, बहुत यम्मी है। जब भी मेरा जब भी किसी का भी बर्थडे होता है तो मम्मा हलवा खीर सब बनाती हैं, तो इसे यहाँ पे रख देते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने ब्रेकफास्ट करने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ गाइस, यहाँ पे बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, मतलब ठंडा ही हो रहा है। मैं हलवा खा के नीचे चलते हैं, आप फिर देखते हैं। नीचे चलते हैं। मैं तो सारा हलवा जाता हूँ, मेरे से खाया भी नहीं गया, मैंने रख दिया जितना नहीं खा पा। सो गाइस, हम लोगों ने ना नई गाड़ी भी ली है, तो वो है वेन्यू एसेक्स। ये हमारी न्यू गाड़ी, इसमें सनरूफ भी, क्योंकि सनरूफ इज़ माई फेवरेट, तो इसलिए मम्मा ने ले ली सनरूफ वाली। पहले हम लोग सनरूफ वाली नहीं ले रहे थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ। भीग चुकी है, ये ऐसी है प्रेडी सी। गाइस हम लोग ऊपर जाए दीक्षा बाबा के साथ, एंड दीक्षा बाबा मेरे बर्थडे में आई हैं, मतलब मेरे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। चलो ऊपर, अब चलो नहीं लूंगी यार। एंड गाइस हम लोग आपको खाना देने जा रहे हैं, अभी ऊपर गए तो मेरे को फिर से ऊपर जाना पड़ेगा। थक गई मैं तो पहले ऊपर नीचे करते करते, लेकिन आज बर्थडे एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। फ्रेंड्स अब मैं बोर हो चुकी हूँ बहुत देर से अंदर बैठ को, तभी मेरे को मैं थोड़ा सा स्कूल का काम करना है वो करती हूँ, एंड मम्मा अभी पार्लर में है। नहीं एक्टिविटी बनाऊँगी तो मेरे को कल स्कूल ही जानी है, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स वाली। एंड गाइस पता है हमारे गार्डन में ना गिलहरी रहती है, मतलब उसने अपना एक घर बनाया है, एंड आजकल वो बहुत रेयर होती है क्योंकि वो बहुत कम ही दिखती है। तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची थी, मैं आपको दिखाऊँगी उसकी फ़ोटो भी, तो अभी जल्दी से एक्टिविटी में आते हैं और मैं आपको मिलती थोड़ी देर बाद, करके मैं बाहर। गाइस मैं बहुत तो मैं बोर हो गई थी, तो मैं ऊपर आई, फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखा, गाने सुना, और अब मुझे भूख लग रही है एंड 1:37 हो गए हैं, तो भूख लग रही है। मेरे को 4 o'clock ट्यूशन भी जाना है, क्योंकि मैं कहना बोर हो गई तो कुछ पढ़ ही लूँगी ट्यूशन में जाके, नहीं तो मैं छुट्टी कर लेती। एंड गाइस अच्छा वहाँ पे चिड़िया नहीं है, वहाँ पे है पहले, मतलब रहती भी कहीं खाना करने गई होगी। तो आज का खाना मैं आपको दिखाती हूँ, खाने में राइस एंड दाल एंड दिस इज कुकुम्बर मीन सैलेड, एंड ये आज का खाना।
मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी हुई थी इसलिए मैंने अपनी जैकेट टाइप की वो निकाल दिया है, क्योंकि ने मेरे को इतना पसीना आ रहा था बताने से। तो जैसे मैं घर आई सब डेकोरेशन हो चुकी थी, मैं अपनी डेकोरेशन दिखाती हूँ बर्थडे की। ये है मेरी बर्थडे की डेकोरेशन, बहुत प्रेटी लग रही है। एंड यहाँ पे मामा ने मेरी फ़ोटो लगाई है, मेरे मामा की, और ये सब फोटोज लगाए मैंने। ये रियलिटी में और भी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। केक भी आ चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे रखा है मेरा केक, चेंज करूँगी। मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय। अभी तक अगर तो गाइस मुझे कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला, मेरी बहन देने वाली, लेकिन उसने लिया मेरे से पूछ कर, लेकिन हम दे नहीं गया मैम। आपको मिलती थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। कपड़े चेंज करने के बाद ये भी हो चुकी है, मेरी आउटफिट है ये। अरे पूरा नहीं दिख रहा है। तो मेरी आउटफिट है कुछ इस टाइप की, एंड शूज़, एंड मैंने आज इस टाइप की पोनी बनाई है। तो एंड डेकोरेशन हो चुकी है, अभी हम लोग थोड़ी देर फोटो शूट करेंगे। अभी कोई भी नहीं आया है, हम लोग फोटो वोटो खींचेंगे। मैं अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर फोटो खींचूँगी। एंड मम्मा यहाँ पे खाना बना रही हैं बहुत सारा, कि बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारे भी नहीं मतलब आने वाले हैं। एंड मेरी मौसी भी आने वाली हैं, एंड भुट्टू बुआ, मतलब मेरी बुआ कपड़े बदल रही है अभी, मतलब वो चेंज कर रही है, फिर वो भी रेडी हो जाएंगी। एंड मेरे को अपनी डेकोरेशन सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, एंड इसने डेक कर लिया, और इसने पूरा कमरा मीन सीधे लग नहीं रहा है कि बर्थडे का रूम डेकोरेट करा है यहाँ पे से। तो अभी मैं इसे साफ करूँगी, आज मैं आपको मिलती हूँ जब सब लोग आ जाएंगे उसके बाद, तब तक ले बाय। प्रेटी लग रहा है, अंधेरे में लग रहा है ना, मैंने सब लाइट बंद करवा दी आपको दिखाने के लिए। ये गैस हमने फ्री साइज मंगाया था, बहुत प्यारा लग रहा है। हल्का सा अपने मुँह में कुछ लिटिल बिट लगाने के लिए जा रही नीचे। तो गैस अभी मौसा जी लोग आ चुके हैं, पापा भी आ चुके हैं, गर्मी लग रही है। शिवांश आ चुका है, शिवांश इधर देखो, इधर देखो, बोला हेलो गाइस, इधर नहीं, फिर देखो आपको चॉकलेट नहीं दूंगी, इधर देखो, ये लो इधर देखो, पहले इधर देखो। हेलो गाइस बोलो, हेलो गाइस। ये अभी चॉकलेट खा रहे हैं गाइस, मेरे पास हजारों फेरेरो रोशन, हजारों मैं भी इसको दिखा खो अंदर रख देती हूँ। मैं आपको कल या फिर मतलब कभी भी दिखा दूँगी, मैं इसको ना छुपा लेती हूँ। नहीं नहीं फुलाना नहीं है ऐसे, अभी बंद, अभी से रख दो। मौसी भी आ चुकी हूँ, आपको उनसे मिलाती हूँ। तो गाइस ऐसा नहीं मौसी, हेलो गाइस, एंड मम्मा आंटी हम लोग बातें कर रहे हैं, एंड मैं शिवांश के साथ खेल रही हूँ। शिवांश इधर देखो, हेलो पीछे का क्या, हेलो गाइस बोलो, हेलो बोलो, हेलो गाइस बोलो, हेलो गो। सो गाइस ये हल्क से खेल रहा है, आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? हल्क मैन, हल्क मैन। उसका मुनिका कहना टूट गया था। सब लोग आ चुके हैं, मीन्स महिमा बुआ, रिक्शा बुआ, बुट्टू बुआ, मेरी सारी बुआज आ चुकी हैं, सोनी मौसी आ चुकी हैं। एंड अब हम थोड़ी देर बाद केक काटेंगे। अभी सब लोग आ चुके हैं, एंड एंड ये मेरी बुआ, कल्लू बुआ, कल्लू दीक्षा, सॉरी ये दीक्षा बुआ। एंड आपको दिखाती हूँ, अभी बस एक दो लोग आएंगे, खाना रेडी चुके हैं, तब भर के खाना बनाया था हमारा। देखो हटो बुआ के बाल आ रहे हैं, तब सारा खाना कट रहा है। अभी सब लोग आ चुके हैं, खाना भी बन चुका है, अब हम लोग केक कटिंग करेंगे। हमारा छोटा सा मिनी सा केक, हमने ज़्यादा बड़ा केक नहीं मंगाया। सबसे पहले नाइफ निकालते हैं, मैं आपको उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी। बहुत एक्साइटेड, पता नहीं कैसे बनाया, बहुत बड़ा है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। वही तो बड़ी मम्मा ने कहा इतना कौन बना, बड़ी मैं हर देखो कितना बड़ा होगा। ये है मेरा ब्यूटीफुल केक, अभी हम लोग अपनी केक कटिंग करेंगे। मेरे को ये ड्रेस स्कूल में भी पहननी है, तो इसलिए क्योंकि आज स्कूल की छुट्टी हो गई, इसलिए अभी मम्मा कैंडल्स लगा रही हैं। गाइस ये है बड़े मम्मा, बड़े मम्मा, हेलो गाइस बोलो। एंड ये बहुत प्यारा लग रहा
इसके नीचे से गाइस लाइक हल्का पिंक, मतलब फिर पिंक, फिर डार्क पिंक, बहुत प्रीटी लग रहा है। लोगों ने खा लिया, केक कटिंग हो चुकी है एंड ये लोग पार्टी कर रहे हैं। अपना पूरा गंदा कर दिया, ये तो मैंने कर दिया था, खैर केक काटते हुए मन कर रहा है कि खाऊं पीऊं जितने भी। मैं इसको अभी अनबॉक्स करके देखती हूँ इसके अंदर क्या है। बहुत ज्यादा भारी भारी है अभी अभी। पकड़ कैमरा। ओके, मुझे पता है उसमें क्या है, सिलेंडर जैसी। गैस में खुलती
मैंने भी खा सकती हूँ। दिखाओ सबको। इतनी सारी जेली मिल रही है मुझे। बोला मेरे को बहुत सारी जेली देना, वो बहुत सारी जेली आई लव दिस। खाना वाना खा लिया, बस पापा खाएंगे क्योंकि एंड में खाते हैं। पापा खाएंगे, मम्मी खाएंगी एंड मीठी और ये ऊपर सो जाओ एंड मौसी से एंड यस यू आर सी मुंह मेरा मुंह तो मोटा लग रहा है इसमें किसी में और चला रहा मतलब इतना एंड ये मेरा सामान जो मेरे को स्कूल ले जाना है। सॉरी सॉरी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या क्या है। गाइस इसमें टू टॉफीज की पैकेट है, मेरे को अभी कॉल लेना है नीचे से एंड इसमें दो फेरेरो रोशन्स हैं और मैम और प्रिंसिपल को देने के लिए हार्ड कार्ड एंड फोर चॉकलेट्स एंड और सब तो मैं देख लूँगी क्या लेना। गाइस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो में कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, लव यू।